भट्टुकला उप तहसील के सामने जारी भूमि सुधार आंदोलन के तहत किसानों का धरना लगातार तेजी पकड़ रहा है। उप तहसील कार्यालय भट्टुकला के सामने भूमि सुधार आंदोलन को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है और यहां पर लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बुधवार को इस धरने की अध्यक्षता कमल बिस्ला ने की। धरने को आम आदमी पार्टी नेता लक्ष्य गर्ग व भट्टू नंदीसाला के प्रधान पवन साई ने समर्थन दिया। इस दौरान कमल बिस्ला ने कहा कि यह धरना पूरे फतेहाबाद जिले के क्षेमग्रस्त इलाके की आवाज़ उठाने के लिए रखा गया है, इसलिए पूरे जिले के लोग इसमें सहयोग करें। जिले में 2 से 3 जगह प्रोजेक्टर पास कर सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, परंतु यहां पर प्रोजेक्टर पास करने की स्थिति में एक कदम भी नहीं उठाया गया है। सेम की समस्या लगातार यहां बढ़ रही है, जहां ट्यूबवेल से पानी निकालकर कहीं डाला जा रहा हो। भट्टू ब्लॉक के लगभग 15 से 18 गांव में यह गंभीर समस्या है। यहां इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। भट्टू ब्लॉक के साथ लगते गाँव खाराखेड़ी बड़ोपल चिंदड़ में यहाँ पुराने समय से यह समस्या काफ़ी गंभीर है। गोरखपुर और दैमन के भी एक हिस्से में सेम की समस्या है। उन्होंने बताया कि किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है। धरती किसान की माँ होती है और वो ही अगर बंजर हो जाए तो किसान कैसे जिंदा रहेगा। आप नेता लक्ष्य गर्ग ने कहा कि सरकार को किसानों की बात को सुनना चाहिए और तुरंत इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इस अवसर पर अनुराग भांबू, ओम प्रकाश महलान, भजनलाल माचरा, राजेश भाकर, संदीप बेनीवाल, मोहर सिंह कसवां, ब्रजलाल कड़वासरा, पीली मंदोरी, अनूप जाखड़, निरंजन बेनीवाल, नरेंद्र बिस्ला, सुमेर महलान, राजू ठुइया, पंकज गोयल भट्टू, विकास सिंगला, कुलदीप, प्रमोद सिद्धू, राकेश माचरा, रामस्वरूप संतलाल, होशियार सिंह, मुकेश सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।